ओनर ओके उस दिन का ये जब मेरा मिस्टर ये गया था ना उसका बारे में बता देगा। उस दिन ये था दिन को ऑफिस में कुछ कुछ ये उसका रिसीव ये सब ये सबमिट करने के लिए गया था। उसमें वो बेटी का दिन ये वो दिन में बर्थडे था ना ये सेकेंड वाला बेटी का ये बर्थडे था। वो केक रिसीव को भी ये हम 22 को केक को ऑर्डर किया था 23 को ले ये ऑफिस जा रहे हैं हम ये को केक रिसीव को दो बोल के केक को ऑफिस में गया। उसका बाद केक को लेकर आए और मुर्गी मीट भी लेकर आया है। वो ऐसे आके वो ये मुर्गी मीट को खिचड़ी पका दो बोल के बच्चा लोग को बोल के बैठा है। इसके बाद वो ये वो तो ये था पूरा ऐसे रूम में ये मोबाइल ये क्रिकेट न्यूज़ देख के बैठा था। हम टीवी देख के बैठा था। फोन आया तो ये वो मोबाइल को हेलो बोल के उत्साह से उठ के मेरा सामने में आया है। इसके बाद शेयर में बैठे हम वो बोले फोन ये अरे सर इतना ये देरी ऐसे बोले वो जाने मन नहीं था मिस्टर जो ना वो बोले सर मेरा पर्सनल काम भी है ये कल आने से होगा के ऐसे बोल के देखा था। उसका बाद वो जो फोन करने ला जो ये फॉरम जो बोले आधा घंटा पहले पहुंचना है ऐसे बोले। उसका बाद मिस्टर बोले अब इतना जल्दी ऐसे बोल के तब तू होगा लेकिन थोड़ा देरी होगा ऐसे बोल के वो चप्पल जूता भी नहीं पहने वो निकल गए। गाड़ी को भी गैरेज में घुसा के रखा था हम ही खुल दिया था गैरेज को भी। इसके बाद रात को रात हो गया नहीं आए फोन करके देखे तू स्विच ऑफ है ऐसे होके ये रात को हम भाई को बोल के सीबीआई ऑफिस में भी ढूंढ के देखा है गाड़ी को नहीं मिले। फिर तना में आए तना वाला बोलते उधर ये में सीबीआई ऑफिस में ही होगा ऐसे बोला है। फिर हम दोनों एसआईसी ऑफिस में भी रात को जाके देखा है गाड़ी को ढूंढने के लिए उधर में भी नहीं मिला। फिर तना में वापस आए वो तना में आए तो वहाँ का ये जो एक तो ये इंस्पेक्टर जो बोला है वो कहीं जगह में ये पूछताछ कर रहा होगा गाड़ी को नहीं मिल रहा है। हम बोला है तो गाड़ी को तू कहीं कॉर्नर में ये रखा होगा कहीं ये में लेके ले जाके पूछताछ कर रहा होगा ऐसे बोला है। उसके बाद हम दोनों पूरा उसको भी ये थोड़ा आप ये पूछताछ कर दीजिए सीबीआई में है ना एसआईसी में हम लोग ये चिंता हो रहा है गाड़ी भी नहीं मिल रहा है ऐसे बोला है। तो वो तो हम मालूम नहीं है वो लोग कहा ये उन लोग का नंबर भी मालूम नहीं है ऐसे बोला है। इसके बाद भाई हम दोनों ये एक मेरा वो ये बस्ती मिस्टर का बस्ती गांव का ये बेटा दोनों को कॉल करके हम ऐसे ऐसे हो रहा है बोल के। फिर हम लोग चारों जाके एक दो बजे ऐसे हो गया होगा। फिर सीबीआई ऑफिस में गए रात का गाड़ी को ढूंढने फिर गाड़ी को नहीं मिले। सीबीआई ऑफिस भी एग्जैक्ट लोकेशन भी हम लोग सीबीआई ऑफिस था हमें है ना उसको मालूम नहीं था। दो बार गए तो उसमें वैसे सीढ़ी में उठ के देखा है तो ऊपर में सीबीआई ऑफिस है। फिर दरवाजा ये किया तो लॉक हो गया रात का ये हो गया तो सुबह दो बजे ऐसे हो गया। हम लोग घर में तीन बजे ऐसे को पहुंच गया। इसके बाद सुबह को भाई को हम भेजा तना में है क्या थोड़ा और ये फिर जाके देखो बोला तो भाई ये उधर नहीं है। फिर ये सीबीआई ऑफिस में भाई उधर चला गया खुद अकेला गया भाई जो और फिर भाई को भाई बोल रही उधर नहीं है बोला है वो। फिर एसआईसी ऑफिस में होगा क्या बोल के उधर फिर पूछने वो बोले करम जो बोले ये उस दिन ये में एसआईसी ऑफिस में वो कुछ सुबह को आके बोला है हम तो कल आओ काम होने से कल आओ बोला था बोला। उसको हम बोले सर आप झूठ बोल रहे अब तो आधा घंटा पहले पहुंच जाओ ऐसे बोला था बोला ऐसे क्या बोल के सिर्फ ऐसे आराम से मैंने ये ऐसे बोल के बैठता है। इसलिए हम मेरे मिस्टर को वो नहीं बुलाने से तू ये ऐसे नहीं होना था वो ही जानता है बुलाने वाला और नहीं ये बुला के ये नहीं पहुंचने ये वो बोलते हम कॉल करके दिखाता है स्विच ऑफ बोल रहा था। अरे वो स्विच ऑफ बोलने से तू हमको भी कॉल करना है ना निकल गए ना नहीं निकले नया में नहीं पहुँचता है बोल के वो ही जानता है वो क्या क्या है बुला के बमसो करम जो वो बुलाने वाला वही जानता है वो तो नहीं जाएगा बोल के बहुत जाने नहीं जाने दिल नहीं जाने नहीं 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 जाएगा ऐसे सोच रहा था वो जबरदस्ती आधा घंटा पहले पहुंचना है बोला है इसलिए वो निकल गया।
वो क्या के लिए बुलाए उसको, वही करो भाई हम ये क्या कर रहे हैं अभी। एक्चुअली वो 348 को SIC ऑफिसर करोंग सर ने बुलाया, वो बुलाते समय उन्होंने सुना था बोला, वो भी साथ में बैठ के बोला कि सर कुछ हम काम है, बोला तो नहीं विद इन आधा घंटा के अंदर में आ बोलने का साथ से, तो निकल गया। निकलने का बाद नहीं आया तो वो भी कई सोर्स में सुना है तो नहीं वो स्विच ऑफ हो गया था, हमने कुछ ऐसे ये किया, इतना लाइटली इसको डिस्कशन किया। तो इसमें एक हम लोग का एज ए डिकीज का इसमें कॉन्ट्रेडिक्ट स्टेटमेंट करोंग एंड CBI स्टेटमेंट भी दो तीन पॉइंट है। एक है वो बोला कि आधा घंटा का अंदर में आओ बोलने वाला आदमी जब स्विच ऑफ हो गया तो क्यों कॉल बैक नहीं किया। हम लोग का सबका डिकीज का एंड सोसाइटी का मतलब कन्फ्यूजन हुई है, इतना इमरजेंसी जब आदमी को आधा घंटा का अंदर में आओ बोलने वाला क्यों कॉल बैक नहीं किया। वेरेस इसमें हम लोग जब ये बात किए तो वो बोला कि नहीं हम ऐसे नहीं बोला, बिजी होने से कल आने से भी हो जाएगा। तो इसलिए हम ये आप लोग का पैटर्निटी मीडिया पैटर्निटी का थ्रो हम ये इसको डिमांड पुलिस को भी मैंने बोल चुका है, इसलिए इस कॉन्ट्रेडिक्ट स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हमको ऑडियो वॉइस रिकॉर्डिंग को चाहिए बोला था। तो उन लोग बोलता है वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है, इन स्टेट ऑफ वॉइस रिकॉर्डिंग इन बिटवीन मिस्टर करोंग एंड डिकीज ऑफिसर लोग ने कोई किसी लोग का बताया था, लेकिन उन लोग ने बोला है कि वो दूसरा ये का है। तो हम लोग बोला सेटिस्फाइड नहीं है, इफ पॉसिबल हम लोग इसको वॉइस रिकॉर्ड में चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली जो मिसेस का डिकीज जो स्टेटमेंट दे रहा है सही है ना, ना अभी वो करोंग ऑफिसर जो है डाइवर्ट कर रहा है, ये चीज में हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं। वो जो क्यों विद इन वन आवर आधा घंटा का अंदर में आओ बोलने ना नहीं आए और बोल के क्लेम करना चाहिए था। तो वो बोल रहा है कि कई सोर्स से सुना है मिसेस का नंबर फोन नंबर नहीं जानता है, इसलिए वो कॉल बैक कन्फर्मेशन नहीं ले सका बोले। तो हमको भी सुनने में आया है उस रात को और एक SIC ऑफिसर है बोलते हैं दशिनी का दोनों बेतरा था बोला। तो हम ये भी बोला है तुम तो दोनों बेतरा था, तू निगाह सर तो इसका डिकिस का वाइफ का नंबर मालूम है और वो पहले से दो तीन बार कॉल भी चुका है और हमको ये भी पता लग गया निगाह सर का दो नंबर है, वाइफ को दो तीन बार कॉल कर चुका है। तो ऐसा सीरियस इश्यू में दोनों जब बताए तो कम से कम पूछना चाहिए था, अरे ये तुम्ही कांकक सर को बुलाए तो नहीं आया है, तो ऐसे होने से कैजुअली लिया है। इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि फैमिली ये इट वॉज ए फ्री फ्लम मर्डर। और एक चीज फिर इसमें एक मतलब इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइज एक मैसेज भी मिला है हम लोग को। तो ऑन 24/2/2023 में 10:51 PM में वो कोई किसी को टेक्स्ट सेंड करता है, आई एम मर्डरर नाउ, अगर आई एम मर्डरर नाउ बोल के वो सेंड किया है। तो ये इंफॉर्मेशन को इनपुट को हम पुलिस को भी दे दिया था जब वो फ्री हम लोग को बता रहा था। तो उसको भी पुलिस टीम लोग कितना सीरियसली एक्शन लिया नहीं लिया अभी तो हम लोग मालूम नहीं है। तो ये भी एक उसको इमीडिएट एलिज एक्यूज एंड प्राइम सस्पेक्टिंग तो हुई है। तो वो 24 को बोलता है कि 10 PM में लिखता है कि सेंड टेक्स्ट मैसेज करता है आई एम मर्डरर नाउ, ऑन व्हाट ग्राउंड एंड रीजन मे बी। हम तो ये बोलते हैं आप सेल्फ क्लेम है, आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं, आप क्या रीजन में बोला होगा क्या ग्राउंड में बोला होगा वह मालूम नहीं है, लेकिन डिकीज फील करता है कि आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इस चीज को भी थोड़ा स्ट्रांगली मैंने प्रोटेस्ट किया था। इसके बाद 24 मॉर्निंग में जब इसका स्वता भाई CBI ऑफिस में गया था, CBI ऑफिस में जाने का बाद CBI ऑफिसर ने बोला कि तुम्हें गंगा को हम लोग नहीं बुलाया, हम लोग 22 को बुलाया था, 21 को बुलाया था, कल बुलाया था और परसों कल नहीं बुलाया बोला। तब जाकर हम लोग सीरियस हो गया था, अरे CBI ऑफिसर बोलते हैं उसको नहीं बुलाया और एंडोर्स क्या वाला SIC ऑफिसर बुलाया बोलते समझ में नहीं आ रहा बोल के बार बार गए। तो अभी कन्फर्म करके देखा है तो CBI कोई भी ऑफिसर रेडी नहीं है कि एंडोर्स SIC ऑफिसर करोंग सर का साथ कौन सा ऑफिसर एंडोर्स के वो भी मालूम नहीं है, और कौन सा रीजन था कौन सा केस था
किसके लिए बुलाया था वो भी उन लोग क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं। तो कुछ कुछ सुनने में आया, कुछ सिग्नेचर का है, कुछ कंफर्मेशन करना था, तो भी हम लोग फैमिली लोग ये बोल रहे हैं कि सिग्नेचर किस आदमी का नाम का सिग्नेचर को कंफर्मेशन करना था, कौन सा ईयर का है और कितना कौन सा ईयर का है और कौन सा एग्जाम पोस्ट का है, तब भी उन लोग क्लियरिटी हम लोग को नहीं दे रहे हैं। ऐसे मतलब लमसम जैसे जहाँ तहाँ इधर उधर बोलते हैं। और सीबीआई ऑफिसर को हम लोग बार बार आपका क्या बोलते हैं बीबी चक्रवर्ती बोलने वाला को एडिशनल एसपी को पूछने से एसपी को मालूम होगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है करोंग को, देनो हम कैसे पता है। फिर एसपी को पुलिस लोग को पूछने से सीबीआई जानता होगा किसको कैसे है, तो इस चीज में भी हम लोग बहुत कंफ्यूज है। तो ऐसा चीज में हम लोग किसको अभी पूछना पड़ेगा। तो मीडिया पेटर्निटी में से भी अगर कोई हम लोग व्यूअर भी अगर कोई आइडिया होने से हम लोग के दे दीजिए, इस चीज को कौन हम लोग को बता पाएगा। वो दिन में 23 में क्या चीज पूछने जा रहा था एग्जैक्टली, कौन सा एग्जाम का पूछने जा रहा था, किसका साइन पूछने जा रहा था, ये बहुत मैटर करता है। तो हम तो ये बोल रहे हैं ठीक है इमीडिएट एलिज एक्यूज इज ऑफिसर करोंग सर, लेकिन रिलेटेड आदमी कौन लोग है हम लोग भी जानना चाहते हैं और देखना चाह रहा था।